कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा 7 व 8 जुलाई को हरदा जिला टोटल लॉकडाउन रहेगा। हरदा में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हरदा जिले में 28 पॉजिटिव कोरोना मरीज पाए गए हैं। इस कारण ये निर्णय लिया गया है कि 7 और 8 जुलाई को हरदा टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का निर्णय यथावत रहेगा। अति आवश्यक वस्तुएं जैसे किराना, मेडिकल, दूध, सब्जियों की दुकान के साथ किसानों के लिए खाद बीज की दुकान इस दौरान खुली रहेंगी। अब शाम 7 बजे मार्केट बंद करना होगा और जैसे ही कोरोना को कंट्रोल कर लिया जाएगा वैसे ही लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। पटेल ने कहा मध्य प्रदेश 10वीं बोर्ड की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में हरदा जिले के 4 बच्चे आए हैं। इन 4 बच्चों ने हरदा का नाम शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचा किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। हरदा में 28 पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इस कारण आज की जो बैठक हुई उस बैठक में निर्णय लिया गया है कल और परसों दो दिन हरदा नगर लॉकडाउन रहेगा और शनिवार इतवार को लॉकडाउन रहेगा। जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं किराना, मेडिकल, दूध, सब्जियां और कृषि खाद भी दवाई ये दुकानें खुली रहेंगी और बाकी समय 7 बजे तक मार्केट बंद होगा। हम जनता से अपील करते हैं कि जनता की सुरक्षा के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है और जैसे ही हम कोरोना के इस पर कंट्रोल कर लेंगे लॉकडाउन हटा देंगे। आज हरदा जिले के लिए गौरवशाली दिन है कि आज हमारे जिले के 4 बच्चों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्राथमिक सूची में टास्क के से 4 स्थान पर किया है। उसके लिए मैं आज जिला प्रशासन की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे 2 बेटे और 2 बेटियों ने, बिल्कुल बेटे दोनों बेटे और बेटियों ने टास्क के से स्थान प्राप्त करके हरदा जिले का गौरव पूरे प्रदेश और देश में बढ़ाया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।